नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्यूटर एडवांस एक्सेल एंड वीवीएमआई। तो जो वीडियो आप देख रहे हैं वो ये वीडियो हमारे लाइव क्लासेस की वीडियो है। अनिल यादव जी मेरे साथ लॉगिंग है जूम ऐप के थ्रू। ये जूम ऐप, इसके जरिए हम क्लासेस देते हैं और हम बात करने जा रहे हैं वीवीएमआई को प्रोग्रामिंग में एक डेप्थ की। तो इस वीडियो को सर रिकॉर्डिंग का देखिएगा, परमिशन अगर कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। आप हमारे साथ इस तरह की लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो iptindia.com को विजिट कर सकते हैं डेमो क्लासेस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके अनिल यादव जी, मैंने आपको रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दिया है। जूम ऐप के थ्रू आप अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं और मैं भी अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूं। ओके सर या ओके, तो वीवीएमआई को प्रोग्रामिंग में इससे पहले तक हमने आपके बात की थी, हमने वर्कबुक्स के बारे में बताया था कि हाउ कैन ओपन द वर्कबुक, हाउ कैन क्लोज द वर्कबुक वगैरह वगैरह वगैरह। या तो आज हम एक वर्कबुक से रिलेटेड ये एक लाइव प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने आपको कोड को एक्सप्लेन किया था, उस कोड को रन करके नहीं दिखाया था, क्योंकि रन करने के लिए एक प्रॉपर क्वेश्चन, एक प्रॉपर मैक्रो होना चाहिए, या तो चलिए एक प्रॉब्लम को ओके सॉल्यूशन करते हैं। मेरे पास एक काम आता है, मान लीजिए कि मुझे हर दिन एफ ड्राइव के अंदर एक फोल्डर या क्रिएट करना होता है। अगर फोल्डर क्रिएट नहीं है तो क्रिएट, अगर है तो ठीक है, वरना क्रिएट करना होता है 2019 का फोल्डर। फिर इसके अंदर में यह हमारा दिसंबर चल रहा है, तो मुझे इसमें देखना होता है क्या दिसंबर का फोल्डर है, नहीं है तो क्रिएट करो। और फिर इसके अंदर में हम एक और फोल्डर, आज तारीख कौन सी है, आज तारीख है 2, तो फोल्डर दो क्रिएट करते हैं। और फिर इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम 2 होगा, क्योंकि आज की डेट 2 है। ओके बेसिकली इसकी जरूरत क्यों, क्योंकि मेरे पास एक डेटाबेस है, मान लीजिए सेबर डेटाबेस है, तो उसको मुझे एक पाथ देना होता है, तो उस पाथ पे जाके डाउनलोड कर देता है डेटा। ओके तो मुझे हर दिन एक काम करना होता है कि मुझे 2019 के अंदर उस महीने का फोल्डर, उस डेट का फोल्डर क्रिएट कर एक फाइल क्रिएट करना होता है, ताकि डेटा उसमें मेरे सॉफ्टवेयर द्वारा स्टोर हो। ओके अब कैसे होगा ये, समझे? जी सर या तो चलिए इसके लिए हम बात करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। हम डेवलपर टाइप में जाते हैं, विजुअल बेसिक पे जाते हैं और इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल को। फिर यहां सब्जेक्ट देते हैं, कुछ भी दे दिया, मैं आर दे दिया। और इस सब्जेक्ट में सबसे पहले तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सिस्टम का कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, कौन सा दिन चल रहा है। अगर एक्सेल पे होता तो मेरे पास एक टुडे का फॉर्मूला है, हाँ टुडे का फंक्शन या डेट का फंक्शन टुडे का या फंक्शन है। टुडे का फंक्शन क्या करता है? आज की दिन तारीख दिखा देगा। ओके, बेटा के द्वारा से लिखिए। अच्छा, इरेज़ ओके। तो जैसे टुडे का फॉर्मूला है, जैसे हमने यहाँ पे या इक्वल टुडे का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे सिस्टम का डेट आ गया। फिर मैं इस करेक्ट डे का फॉर्मूला लगाऊंगा, डे का फॉर्मूला लगाऊंगा तो डे आ जाएगा, मंथ का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मंथ आ जाएगा, मंदा जाएगा और ईयर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ईयर आ जाएगा। लेकिन एक्सेल में, ये तो एक्सेल में है, तो सेम चीज आप करेक्ट में चलेगा, इसमें टुडे जो है डेट बन जाता है। अब प्रॉब्लम ही यहां पे आता है कि इसमें से मुझे मान लीजिए ईयर निकालना है, ईयर आ गया, मुझे इस ईयर का रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए ना, कहाँ स्टोर करें क्या? तो यहां पे हम एक वेरिएबल लेंगे, जैसे मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड लेते थे उस तरह से। तो एक डेट क्या करेगा, सिस्टम डेट देगा और इसमें से ईयर को एक्सट्रैक्ट कर वाई के ऊपर स्टोर कर देगा, तो वाई इक्वल टू ईयर। वाई इक्वल टू ईयर ओके
एम इक्वल टू हमने यहां पे मंथ दे दिया और मंथ को बोला कि भाई डेट में से मंथ अलग करें, और ऐसे हमने डी दे दिया और डी को बोल दिया डे और हमने बोला कि डेट में से मंथ डेट को अलग करो। तो हमारे पास तीन वेरिएबल्स हो गए जैसे एबीसीडी होता है ऐसे। या ठीक है, ओके। अब बात करते हैं फोल्डर क्रिएट करने का। तो फोल्डर क्रिएट करने का कोड होता है एमके, एमके बोर्ड मेक डी आई मेक डायरेक्टरी। ओके ठीक है, ओके। कहां एक करना है तो यहां पे आपको देना होगा अपना ड्राइव, जैसे एफ ड्राइव हमने दे दिया, और फिर बोलना होगा कि कौन सा फोल्डर था 2019। तो लास्ट वाला जो होगा वो आपको क्रिएट करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसमें दे दिया 11, तो क्या करेगा एफ डायरेक्ट एफ के अंदर में खोजेगा 2019 को, और 2019 के अंदर जाएगा 11, क्रिएट सिर्फ एक ही करेगा 11 फोल्डर। ओके, लेकिन इस पाथ में जो लास्ट में आप लिखेंगे वो पाथ को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ओके। तो मुझे यहां पे 2019 को बनाना है और इसी को मैं यहां पे करता हूं, बट प्रॉब्लम ये है कि 2019 तो फिक्स हो गया ना। फिक्स हो गया, देखिए हमें तो वाई के अकॉर्डिंग चलना है ना, क्योंकि मान लीजिए एक महीने बाद आपका आएगा जनवरी 2020 आएगा, तो यहां 2020 ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए ना। करेक्ट। तो अगर आपके एक्सेल में यहां पे मैं लिख दिया एफ एफ क्या हो गया तो ए हो गया और यहां पे 2019 है, तो इसको कंबाइन कैसे करेंगे। तो इसको हम एंड फंक्शन से करेंगे ना कंबाइन सर। एंड फंक्शन यूज करेंगे, यस। परसेंट का सिंबल यहां भी चलता है, तो यहां भी हमने क्या किया कि इसके साथ हमने वाई दे दिया। ऊपर ये समझ में आ गया आपको सर। कुछ कुछ आया, ओके। ये वाई पे क्या स्टोर है, 2019 स्टोर है। जब दोनों का माइंड होगा तो इस तरह से बन जाएगा ना, जब इस तरह से बनेगा तो एम की डायरेक्टरी लास्ट वाला को क्रिएट कर देगा, समझे। या क्योंकि वाई इज 2019, तो ये बन के क्या आएगा। अब मैं इसको ये कर दूं यहाँ पे समझाने के लिए कि y इज इक्वल टू 2019 और एक कंबाइन हुए क्या आएगा f स्लैश करेक्ट। और जब 2019 के अंदर अब मुझे 12 का फोल्डर बनाना है, तो सेम लिखेंगे ये ऊपर वाला पोर्शन सेम होगा। या इसमें हम यहाँ पे स्लैश को देते हैं और फिर एंड हम क्या दे देंगे एम एम, क्या होगा ये आपका यहाँ पे इसको मंथ का फोल्डर। अभी क्या होगा ये हो गया और आपका इसमें एम इक्वल टू क्या है 12 है, तो एक कंबाइन क्या हो जाएगा ये जो स्लैश दिख रहे कंबाइन किया आपने और फिर 12, क्योंकि वाई में सिर्फ 2019 ही है ना, लेकिन 2019 के बाद मुझे स्लैश भी तो चाहिए, इसलिए हमने एक और कंबाइन किया। ओके, इनवर्टेड कॉमा में स्लैश देना होगा, उसके बाद एंड को करके कंबाइन करना पड़ेगा हमको। ओके, और सेम प्रोसीजर हम अपनाएंगे किसमें डे डेट में यहां पे एम के बाद एम परसेंट
फिर स्लैश होगा, हाँ डी एंड डी तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू जीरो डी स्लैश जीरो टू, या टू हो सकता है, 02 ने टू भी हो सकता है। तो तीन फोल्डर आपने क्रिएट कर लिया, फोल्डर ओके ठीक है अब मुझे इस लोकेशन जो लास्ट वाला फोल्डर क्रिएट हुआ है उसके अंदर हमें अपना एक्सेल फाइल डालनी है, क्रिएट करनी है। इसको हम यहां से कॉपी करते हैं, सॉरी यहां पे करते हैं वर्क बुक बुक्स डॉट सेव, एड बुक्स डॉट एड होगा, एड डॉट सेव एज एवेज लोकेशन में, तो हमें इस लोकेशन में चाहिए, बट इसमें फाइल नेम तो नहीं है, क्या है, तो पाथ ही है सिर्फ, फाइल हाँ ये बात ही है, नेम भी फाइल तो नेम करना को है, फाइल नेम में फाइल का एक्सटेंशन भी तो करना है, ओके देखिए यहां पर बताता हूँ आपको, मैं समझाता हूँ आपका, यहां तक समझ में आ गया ना सर, तो फिर इसमें ये जो हुआ स्लैश हुआ और टू डॉट एक्सएलएस एक्स होगा, ये स्लैश के लिए हमने स्लैश दिया, वापस टू नाम का फाइल चाहिए सिर्फ डी दिया, और डी पे सिर्फ टू ही है एक्सटेंशन नहीं है इसका, तो हम यहां पे एक्सटेंशन को ऐड कर दिया, आपका ओके पाथ पूरा बन गया, एफ स्लैश 2019 स्लैश 12 स्लैश 2 स्लैश 2 पूरा बन गया आ गया। और फिर मैं ओके यहां पे करता हूं एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज, क्यों किया क्लोज, क्लोज कर दो, मतलब बस क्रिएट करना है ना, अब क्लोज नहीं करोगे तो फाइल ओपन ही रहेगा ना। अब मैं अब ड्राइव में जाता हूं और सबसे पहले 2019 का जो फोल्डर है इसको डिलीट कर देता हूं, अब मैं इस फाइल को यहां से रन करता हूं, ओके कंप्यूटर वर्क कर गया, अब जाके देखिए एफ कॉलन में 2019 का फोल्डर, उसके अंदर 12 का फोल्डर, उसके अंदर 2 के फोल्डर, उसके अंदर 2 का फाइल, यस अगले दिन ये आपको दिक्कत करेगा, दिक्कत करेगा क्योंकि पहले ही कोड आपको एरर दे देगा, एरर क्यों देगा, कल अगर मैं इस रन करूं तो नहीं समझा, नहीं मतलब दिक्कत क्यों करेगा सर कल दिक्कत करेगा, आज तो चल गया, अब दोबारा रन करूंगा दोबारा दिक्कत कर देगा, देखिए क्या? हाँ कि वहां पे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो जी हाँ, क्योंकि आपका ईयर का फाइल तो साल में एक बार होगा ना, साल में एक बार होगा, मंथ का, महीने में एक बार होगा, सिर्फ डे का फाइल चेंज होगा। ठीक है, तो जो बना हुआ है उसको हमें नहीं बनाना है, हमने बोला था कि अगर 2019 का ईयर का फोल्डर है तो ठीक है, नहीं है तो बना दो, मंथ का फोल्डर हाँ तो ठीक है तो बना दो, करेक्ट डे का फोल्डर है तो ठीक है तो बना दो, तो कैसे पता चलेगा कि फोल्डर है, तो हम सिंपल ही करना चाहते हैं कि अगर इस लोकेशन में फाइल का फाइल फोल्डर है तो मुझे इस लाइन को रन ही नहीं करना है, मे बी हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशन दे सकते हैं, इफ समथिंग इफ कंडीशन देना ऑनली। ही नहीं है सर, हमें अच्छा अभी नहीं करना था। है, तो यहां पे कोड होता है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ये क्या करता है पता आपको, कि जिस लाइन में एरर है उस लाइन को स्किप करके अगली लाइन को जंप कर देता ओके है, समझ गए, जिस ओके लाइन में दिक्कत है उस लाइन को छोड़ कर अगले लाइन में जंप चला कर जाएगा। चला जाएगा, तो फिर आपका एरर नहीं आएगा, तो जैसे अभी अभी हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास फोल्डर ऑलरेडी है,
आज की 2 तारीख का, तो 2 तारीख का नया फोल्डर जनरेट नहीं करेगा, ये तीनों और लाइन जब कल रन। कर देगा, हाँ, इसको भी स्किप कर। अब मैं डेट चेंज करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से डेट चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, 2013 में कैसे डेट चेंज होता है भाई। अब सिस्टम डेट चेंज करोगे तो ये आपका सिर्फ ये वाला फोल्डर बनाएगा और फिर फाइल बना देगा। अब एक काम करता हूँ ना, मैं सिर्फ डिलीट करता हूँ 2 का फोल्डर, ठीक है। मेरे ओके। पास 2019 है, 2019 के अंदर 12 है, लेकिन इसके अंदर 2 का फोल्डर नहीं है। अब मैं इसको यहां से रन करता हूं। आ गया 2 के फोल्डर। और फाइल भी आ गया। ठीक है, ओके। और कोई डाउट? ओके। अभी डाउट आपको समझ में तभी आएगा जब इसको आप करेंगे, और इसको करने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, इसी फाइल को अलग अलग तरीके से बना के बताइए। ओके। ठीक है। तो एक कोड आपके पास होगा या भेज दूं? मुझे भेज देंगे सर, तो मैं मतलब यूज यही है कर ना आपका अनिल लूंगा। यादव 2911, यस सर, मेरा ही है। या मैं आपको एक फाइल दे दिया, इसको बनाइए और मुझे मेल भेजिए, फिर कल हम सीट्स के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर। या ओके ओके बाय।